वेलकम टू कंपटीशन हब। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए और ये जानना भी जरूरी है आपको। क्या अपडेट है उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना चाहें तो कर सकते हैं। कंपटीशन हब की लिंक फेसबुक पेज की डिस्क्रिप्शन में डली है। डेली आपको जीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, करंट अफेयर्स भी मिलता है, तो आप उसे लाइक या फॉलो कर सकते हैं कंपटीशन HU लिख कर फेसबुक पर। अपडेट ये है कि SSC बैंक और रेलवे की भर्ती के पहले अब CET, ये आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर आखिरकार ये चीज़ कैसे वायरल हुई, क्या इसके पीछे रीज़न है और क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले, एक दो महीने पहले, एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था सोशल मीडिया पर, उसका नाम था CET। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर इस डेट को भी देख लीजिएगा आप, यहाँ पे ये बिल डाला गया था और बिल ये मतलब प्रस्ताव पारित हुआ था और ये हो गया था बिल पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। तो ये इस पूरे के पूरे बिल की कॉपी है कि क्या क्या उसमें डिमांड थी, क्या क्या नहीं था। हम आपको थोड़े से पॉइंट बता देते हैं उसके बारे में। वो चीज़ ये थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट 2016-17 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू इंट्रोड्यूस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कब? 2016-17 के फाइनेंशियल बजट में ये वाली चीज़ सामने आ गई थी कि वैकेंसी ऑफ ग्रुप बी नॉन गजिस्टेड एंड लो लेवल, मतलब ग्रुप बी से नीचे की जितनी भी पोस्ट होती हैं CD वगैरह, उन सब के लिए अब आपको क्या होगा, CET देना होगा। CET में क्या होगा, Tier 1 आपका CET आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू आपका एग्ज़ाम होगा। और Tier 2 जो आपका होगा वो आपका जो जैसे रिक्रूटमेंट एजेंसी कराती है वैसा ही होगा। अब ये कब से होने वाला है, ये बिल्कुल इसमें भी लिखा हुआ था कि फेब 2019 में ये स्टार्ट हो जाएगा। और अब किसने, एक रीजनल डायरेक्टर ने भी ये वाली बात बोल दी है, तो आपको उसके बारे में बताते हैं। उससे पहले आप पूरा देख लीजिएगा ये किस लिए स्टार्ट किया था। टू क्विक स्टार्ट द प्रोसेस अंडर द रिवाइज्ड डिस्पेंशंस कैंडिडेट वुड मैंडेटरी हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन अ वेबसाइट। ये तो उनका प्रोसीजर है कि किस तरीके से उन्हें करना था। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका ये किस चीज़ के लिए होगा, ये आपका 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल, 3 लेवल के लिए आपका होगा। और इसमें क्या है, उनका ये सोचना है कि 5 करोड़ बच्चे जो रजिस्टर्ड करते हैं अलग अलग एग्जाम के लिए, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करेंगे, जिससे उनका फीस का जो है वो पैसा बचेगा। अब ये दूसरी बात यहाँ पर जो आ जाती है वो ये आती है, ये कब से आपका मतलब स्टार्ट हुआ है, फरवरी 2019 से आपका पूरा का पूरा स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें यदि हम जोड़ लें, मतलब मिला लें सब कुछ, तो उस पूरे का कंक्लूजन आज एक न्यूज़पेपर में आया है। और ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है और वो न्यूज़पेपर में सामने आई है ये वाली चीज़ जो बोला है रीजनल डायरेक्टर, SSC के रीजनल डायरेक्टर ने, राहुल सचान ने। उन्होंने बोला है कि भीड़ कम हो जाएगी और जिससे टाइम और आपकी मनी बचेगी। तो अब ये कब से स्टार्ट होगा, 2019 से स्टार्ट होगा। रीज़न इसमें वही सारे दिए हुए हैं जो हमने आपको पूरा का पूरा जो बिल पास हुआ था उसकी जो कॉपी थी उसमें दिखाया हुआ है। आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं कि बार बार एग्ज़ाम देने से बचेगा, 10th लेवल 12th लेवल का आपका इसमें ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और फरवरी 2019 में ये SSC भी तैयार है इस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, कि ग्रेजुएट लेवल का वो एग्ज़ाम CET के थ्रू कराएगी। और इसके बाद रेलवे, SSC, बैंक वगैरह ये सब इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तरीका बता दूं, जो Tier 1 का एग्ज़ाम होगा वो CET कराएगा, आपका 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब उसमें जैसी रिक्रूटमेंट बैंक की निकलेगी, आपकी रेलवे की निकलेगी और SSC की निकलेगी, तो आप उस स्कोर कार्ड के बिहाफ पे उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट आपसे कोई पैसा ना लेके सिर्फ आपको एग्ज़ाम ही देना होगा, वो Tier 2 का एग्ज़ाम कहलाएगा, वो पर्टिकुलर जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो आप सभी को मतलब ये है कि अपनी होप नहीं छोड़नी है, तैयारी जिस लेवल से कर रहे हैं उसी लेवल से करते रहना है और बड़े स्तर पर तैयारी करना है। मतलब कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा या कम होगा उसके बारे में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोगों को मेन चीज़ ये है कि अपनी होप नहीं खोनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत बड़ी आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू अवेलेबल टाइम।